इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञान व्यापी और काशी के कॉम्प्लेक्स पे और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप लोग अभी नमाज करने आए हैं? जो आज वीडियोग्राफी वगैरह होनी है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? नहीं तो उसके बाद वो तो भाई हमारे इमाम साहब के जिम्मे है, हमें तो अपना काम पूरा करना है हमको, बस हम पूरा करेंगे उसको। अंदर से पेटिशन जो है मैनेजमेंट कमेटी मस्जिद की, उन्होंने बोला है कि वो अंदर किसी को घुसने नहीं देंगे, तो उसको हमारे इमाम साहब हैंडलिंग करेंगे और नहीं होगा तो जो हमारे इमाम साहब बोलेंगे उसको हम लोग किया जाएगा भाई, जैसे जैसे बल्ब होगा उसे समझा जाएगा। श्रृंगार का जो अंदर है उसको आप मानते हैं कि है या नहीं है जो बताया गया पिटीशन में? नहीं नहीं उसको तो हम नहीं अभी समझ पा रहे, ये जैसा हमारे बता दिया हमारे इमाम साहब जो कहेंगे वैसे का माना जाएगा और कोई बात नहीं। और भी देखिए लोग यहाँ मौजूद हैं हम लोग के साथ, किस तरह से हम बातचीत भी लोगों से करेंगे, आप तस्वीरें देखिए। भैया क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। जो पिटीशन वाला हुआ है जो आज सर्वे वीडियो सर्वे होने जा रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? उसमें कुछ नहीं कहना है। मतलब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उसमें? हमको कुछ नहीं कहना है। जो मस्जिद कमेटी है उसने कहा है कि वो अंदर नहीं घुसने देगा किसी को, तो ठीक कहा है, ठीक कहा है, पर वो तो लोकल कोर्ट का ऑर्डर है उसको। लोकल कोर्ट तो ऐसी था, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था बाबरी मस्जिद को भी, बाबरी मस्जिद को भी तो कहा था कि आप लोग घबराइए मत, आप लोग के साथ इंसाफ होगा। इंसाफ कहाँ किया? नहीं किया इंसाफ। आप मतलब इंसाफ नहीं मानते इस चीज को? इंसाफ कहाँ हुआ आपके हिसाब से? श्रृंगार वाला जो मूर्तियों की बात की गई है वो कैमरा कर रहा है, वो मूर्तियाँ हैं कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। हिंदुओं द्वारा कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष द्वारा कहा जा रहा है, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद में भी तो इसी तरह कहे थे कि मूर्ति उसमें हमारी मूर्ति है। ये देखिए आप किस तरह से, हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर उनका ये कहना है कि कोई हिंदू आइडल अंदर ज्ञान व्यापी में नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं उसी को लेकर कोर्ट, लोकल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सर्वे को लेकर। और आप देखिए इस समय जो तस्वीरें आप पीछे मेरे देख रहे हैं, जो लोकल पुलिस फोर्स है वाराणसी पुलिस की, उसको यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है और भारी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है आ चुका है। 1:30 बजेगा और उसके बाद 11:30 ये जो नमाज का समय होने वाला है। आप ये देख सकते हैं इस तरह के जैकेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी ये लोग लिए हुए हैं क्योंकि, और इनके हाथ में केन्स भी हैं, डंडे भी हैं, और ये इसलिए प्रोवाइड करवाए गए हैं कि अगर हालात यहाँ पर बिगड़ते हैं तो जो पुलिस के जवान हैं वो इन बुलेट्स और इन डंडों के थ्रू उस चीज़ को रोक पाएं। और जो परिसर आप देख रहे हैं, बैरिकेड्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लग गए हैं। यूजुअली बैरिकेड ज़रूर होते हैं पर इतने नहीं होते हैं, पर आज पूरे हिस्से को यहाँ से रोका गया है। तो वहीं अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो ज्ञान व्यापी का छोटा सा एरिया है वहाँ पर भी एक प्रॉपर बोर्ड को देखिए लगा दिया गया है जिससे कि कोई वहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ना कर पाए। तो ये बैरिकेड से पूरा साट दिया गया है और पीछे देखिए आप कमांडोज भी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कमांडोज जो हैं वो यहाँ पर सारे 1 by 1 खड़े हुए हैं क्योंकि ये जो परिसर है यूजुअली हम कोशिश कर रहे हैं यहीं से जो है एंट्री काफ़ी टाइम होती है। और पीछे जो है ठीक ऊपर ज्ञान व्यापी मस्जिद है और जिससे हालात ना बिगड़े क्योंकि 3 बजे का समय है और लगभग 3-4 घंटे काम चलना है। तो पूरी जो फोर्स है वो कमांडोज के साथ साथ यूपी पुलिस के जवानों को डिप्लॉय कर दिया गया है। तो वहीं जो मुस्लिम पक्ष है उसका भी कहना है उनके हिसाब से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव आज तक।